दोस्तों अगर आप भी साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखकर खुश हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों एक विकेट से पाकिस्तान को मिली साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार, केशव महाराज ने जिताया मुकाबला, तो आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर होकर रो पड़े बाबर आजम ने भारत का नाम लेकर क्या कह डाला वो तो आप जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा उनका भड़काऊ बयान। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 26वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाते हुए 270 रन बनाए और 271 रन के लक्ष्य के जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम उतरी तो उनके शुरुआत में ही 4 बड़े विकेट मात्र 136 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। पूरी टीम इस मैच में लड़खड़ा गई थी, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला वो आज हार जाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि यहाँ तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो सबको आज पता चलेगा। हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से आज के इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन साउद शकील ने बनाए थे, जिन्होंने 52 रन की पारी खेली, तो वहीं बाबर आजम का भी बल्ला चला और 50 रन उन्होंने भी बनाए। लेकिन बाकी शादाब खान ने 43 और कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा तक नहीं छुपाया। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, वही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। इस दौरान मार्को यानसन के हाथों में 3 विकेट लगे, तो वही तबरेज शम्सी ने 4 बड़ी सफलताएं अपने नाम की और एक विकेट लुंगी एनगेडी को मिला। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टेम्बा बबूमा, क्विंटन डिकॉक, रस्सी बेंडर ड्यूसेन और हेनरिक क्लासेन मिलकर 136 रन ही बना पाए और ये चारों बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। लेकिन एडन मार्करम और डेविड मिलर से अभी भी उम्मीदें छूटी नहीं थी कि मैच अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एडन मार्करम ने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद अपनी वो लय दिखाई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने मैच फिनिश करने की पूरी ठान रखी थी और इस दौरान डेविड मिलर का भी बल्ला चलना शुरू हो गया और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक तरफा इस मुकाबले में कर डाला। और इस बीच एडन मार्करम के बल्ले से छक्के चौकों की बरसात लगातार होती चली जा रही थी और मुकाबला अंत में जाकर आखिरकार साउथ अफ्रीका की टीम ने जीत लिया। और यह मुकाबले में मिली जीत के बाद अब पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। और दोस्तों पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार पर बाबर आजम कहते हैं कि आज हमने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी चुनी, क्योंकि हमारे सभी खिलाड़ी ठान बैठे थे कि इस मैदान पर 300-350 रन बनाएंगे, लेकिन हमारे 10 विकेट मार्को यानसन और तबरेज शम्सी ने 270 पर ही गंवा दिए और ये एक कम स्कोर था इस मैदान के लिए, हमें कम से कम 300 रन तक पहुंचना चाहिए था। अब साउथ अफ्रीका जैसी विशाल टीम हमारे आगे होगी जो कि अब लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट में बनी हुई है, वो हमें हराने की प्रबल दावेदार हो सकती थी, हमें पता था। लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और हम इस मैच को आज गंवाकर काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम जानते थे कि ये मुकाबला जीतना हमारे लिए कितना जरूरी था। अब हम वर्ल्ड कप से भी लगभग बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब चाहे तो भारत हमसे चाहे थोड़े बहुत पैसे लेकर हमें फाइनल तक के लिए जगह दिलवा सकता है। अगर भारत चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। भारत ने ऐसी कई टीमों को कई सालों पहले फाइनल का रास्ता दिखाया था और वो भी इसी वजह से क्योंकि उन टीमों ने पैसे दिए थे। और अब अगर हमें सेमीफाइनल में पहुंचना है तो भारत से यही अपील है कि वो हमारी मदद करे। रोहित शर्मा, विराट कोहली अब सामने आए और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम भारत के लिए करेंगे और बस हमको सेमीफाइनल में वो पहुंचा दे। अब हमें भारत की सख्त से सख्त जरूरत है, वरना हम वर्ल्ड कप से इस बार खाली हाथ ही वापस लौट जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बाबर आजम ने तो ऐसा कहकर ही करोड़ों हिंदुस्तानियों को चौंका दिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को बाबर आजम की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।